In this question, the taxi fare in the city is as follows. First, for the first kilometer, the fare rupees 8, and the, for the subsequent distance, it is rupees 5 rupees per kilometer. Taking the distance covered as x kilometer and total fare is rupees y, write a linear equation for this information and draw its graph. Okay, so सबसे पहले first kilometer के लिए क्या कितना fare है? Total x rupees and subsequent distance के लिए क्या है? 5 kilometer per hour. So first kilometer के लिए 8 and taking the distance covered as x kilometer. Okay, so हमारे पास क्या आ जाएगा? Total fare is first kilometer के लिए 8 plus next kilometer के लिए आ जाएगा x minus 1 हो जाएगा. Total distance is x, so x minus 1 के लिए क्या हो जाएगा? 5, क्योंकि नेक्स्ट सब्सिक्वेंट डिस्टेंस के लिए 5 है और दिस इज इक्वल टू क्या दिया है टोटल फेयर इक्वल टू y. ओके, तो एक लीनियर इक्वेशन क्या आ जाएगी 5x plus 3 इक्वल टू y. ओके, क्या आ जाएगी 5x plus 3 इक्वल टू y. नाउ ये इक्वेशन हो जाएगी 5x minus y plus 3 इक्वल टू 0. दिस इज द लीनियर इक्वेशन इन x एंड y. ओके, अब हम इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे. सो सबसे पहले हम इसको कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ करते हैं, एक्स एंड वाई एक्सिस. नाउ ग्राफ प्लॉट करने के बाद ये आ जाएगी, सो इट कट्स द एक्स एंड वाई एक्सिस एट एक्स एक्सिस पर क्या होगी वाई इक्वल टू जीरो. सो 5x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू जीरो. एक्स एक्सिस पर वाई इक्वल टू जीरो पुट करेंगे तो हो जाएगा एक्स इक्वल टू माइनस 3 बाई 5, मीन्स एक्स इक्वल टू माइनस 3 बाई 5 कॉमा 0 पॉइंट पर ये कट करेगी लाइन. ओके, एंड वाई एक्सिस पर एक्स इक्वल टू जीरो होगा तो वाई वैल्यू क्या आ जाएगी वाई इक्वल टू 3. सो मीन्स इट कट्स द वाई एक्सिस एट 0.3 पॉइंट. सो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या आ जाएगी, इक्वेशन ग्राफ क्या आ जाएगा इसका, 5x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0. इसका ग्राफ आ जाएगा हमारे पास, दिस वन इज द ग्राफ ऑफ 5x माइनस वाई प्लस 3. ओके, ये हमारे पास इसका ग्राफ आ जाएगा. ओके, 5x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0, इस इक्वेशन का ग्राफ हो जाएगा. ओके, सो हमें इसकी लीनियर इक्वेशन फॉर्म करनी थी और इसका ग्राफ ड्रॉ करना था. सो इसका ग्राफ, दिस वन इज द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन 5x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0 एंड दिस इज द लीनियर इक्वेशंस. ओके.